हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट 8th लेक्चर ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स इन विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कैपिलरिटी। लेकिन देखिए, इससे पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, उसके बाद अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आज जो हम लोग पढ़ने चाहते हैं वो है कैपिलरिटी। लेकिन कैपिलरिटी को पढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि नेचर ऑफ द सरफेस क्या होता है और वो किस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि नेचर ऑफ द सरफेस कैसा होगा। डैट इज कि आप किसी भी फ्लूड को किसी सरफेस पर, किसी सतह पर रखेंगे तो वो फ्लूड, वो लिक्विड उस सरफेस को गीला करेगा या उसको साथ उसको गीला नहीं करेगा। डैट इज कि आपको जो सरफेस मिलेगा वो वेटिंग मिलेगा या फिर नॉन वेटिंग मिलेगा। क्योंकि देखो, अगर इसको समझोगे तब जाके कैपिलरिटी आपको ठीक से समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम लोग कैपिलरिटी से पहले क्या सीखना चाहेंगे, नेचर ऑफ द सरफेस को सीखना चाहेंगे। डैट इज कि अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेटिंग एंड नॉन वेटिंग सरफेस। हम लोग वेटिंग एंड नॉन वेटिंग सरफेस को स्टडी करने जाएंगे कि ये क्या होता है और ये कब मिलता है, यानी कब सतह आपका गीला मिलेगा और कब सतह आपका सूखा मिलेगा। तो देखो, कोई भी लिक्विड है तो उसके पार्टिकल्स के बीच में, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में देयर इज अट्रैक्शन फोर्स, एंड दीज अट्रैक्शन फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स एंड सेकंड वन इज बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। दैट इज, इफ द अट्रैक्शन फोर्स इज बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल देन इट इज नोन एज कोहेजन। जैसे कि अगर दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, डैट इज कि वाटर का मॉलिक्यूल अपने ही वाले मॉलिक्यूल यानी वाटर के ही मॉलिक्यूल को जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है उसको क्या कहते हैं, कोहेजन फोर्स। ठीक है, और अगर वाटर का मॉलिक्यूल, सपोज दैट आपने किसी सरफेस पर रखा है और वाटर का मॉलिक्यूल उस सरफेस के मॉलिक्यूल को अपने तरफ क्या कर रहा है, या सरफेस का मॉलिक्यूल उस वाटर के मॉलिक्यूल को अपने तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो दीज फोर्सेस आर बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एडेसिव फोर्स, या इसको सिंपल भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, इट इज नोन एज एडेशन। देखो, तो मैंने क्या बताया, देयर इज अ two type of attraction between the molecules. Is that clear? First one is adhesion, and adhesion means between two different types of molecule. फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको आप बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं, बहुत सिंपल है, मार्केट में आप लोग देखते हैं बहुत सारे गम मिलते हैं। डैट इज की फेविकॉल खरीद लो, कोई भी गम खरीद लो स्टिक करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है, आप उस पर देखेंगे फेविकॉल के डिब्बी पर लिखा होता है एडेसिव गम। एडेसिव का मतलब ही है कि ये एक ऐसा फ्लूड है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जिस दो चीज को आपको क्या करनी है, स्टिक करनी है, बीच में हमने फेविकॉल अप्लाई किया तो वो फेविकॉल इधर वाले सरफेस को भी अट्रैक्ट करके रखेगा और नीचे वाले को भी अट्रैक्ट करके रखेगा, दोनों आपस में क्या होगा, स्टिक हो जाएगा। इसीलिए उस पर क्या लिखा होता है, एडेसिव गम। मार्केट में बिकता आप देख सकते हैं बहुत आसानी से। तो आपको क्या समझ में आया, एडेशन या एडेसिव फोर्स इज ऑलवेज बिटवीन द टू डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्लियर है। एंड सेकेंड वन इज कोहेजन, जिसको आप कोहेसिव फोर्स भी कहते हैं, और ये किसके बीच में होगा, बिटवीन टू सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। डैट इज की वाटर का मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल को अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो वो कौन से फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा, वो फोर्स क्या कहलाएगा, कोहेजन। क्लियर है। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ दीज फोर्सेस
हम लोग स्टडी करेंगे किसको, कि कब हम लोगों को वेटिंग एंड नॉन वेटिंग सरफेस मिलता है। तो देखिए यहां पर सिंपल है, एडहेसिव फोर्स को सपोज दैट हम ऐसे लिखेंगे एफ ए डी एच से, और कोहेसिव फोर्स को हम लिख देंगे एफ सी ओ एच से। ठीक है, तो देखो मेरे पास दो क्राइटेरिया हो सकता है, हो सकता है क्या एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स के बीच में डिफरेंस हो, पहली चीज तो ये। ठीक है, दूसरी चीज अगर डिफरेंस हो तो ये हो सकता है कि एडहेसिव ज्यादा हो कोहेसिव कम हो, या फिर हो सकता है कोहेसिव ज्यादा हो एडहेसिव कम हो। तो देखो यहां पर हम सबसे पहला केस लेते हैं और उसमें हम लिखते हैं इफ एफ एडहेसिव यानी एडहेसिव फोर्स इज वेरी 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 ग्रेटर देन दैट ऑफ एफ कोहेसिव, दैट इज कि अगर कभी एडहेसिव फोर्स लिक्विड का एडहेसिव फोर्स उसके कोहेसिव फोर्स से बहुत ही ज्यादा हो जाए तो उसमें क्या होगा। पहली चीज देखो, इसको अगर समझना है तो मैंने इसके लिए क्या किया है, एक ग्लास ले लिया है। ठीक है, और कैसा ग्लास है, क्लीन ग्लास, ग्लास मतलब शीशा, एक शीशा लिया है। क्यों, क्योंकि इसका सरफेस कैसा होता है, इसका सरफेस बिल्कुल ही स्मूथ होता है तो इसको स्टडी करने में आसानी होगी और इसको आसानी से आप देख सकते हो घर में, इसलिए हम इसको ले रहे हैं। क्लीन ग्लास लिया मैंने, ये एक सॉलिड सरफेस है, और मैंने क्या किया इसके ऊपर पानी की बूंदें गिराना शुरू की। तो आप घर पे देखिएगा, ग्लास हो उस पर थोड़ा पानी डालिएगा, देखिएगा पानी उसके ऊपर क्या करने लग जाएगा, बहुत ही तेजी में पानी उसके ऊपर इस तरीके से फैलने लग जाएगा। क्यों फैलने लग जाएगा, क्योंकि देखो पानी के मॉलिक्यूल का, पानी के मॉलिक्यूल के साथ जो फोर्स होगा वो होगा कोहेजन, और वाटर के मॉलिक्यूल का सरफेस के साथ जो अट्रैक्शन होगा वो होगा एडहेसन। और मैंने अभी कौन सा एग्जांपल लेना चाहा है, अगर एडहेसन कोहेजन से ज्यादा हो यानी एडहेसिव फोर्स जो है कंपैरेटिवली कोहेसिव से ज्यादा है, मतलब कि एडहेसिव फोर्स हावी है, जब एडहेसिव फोर्स हावी होगा दैट इज कि वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा अट्रैक्ट होंगे किस पर, ग्लास के सरफेस पर, इसीलिए पानी या वाटर उस पर क्या होने लगेगा, फैलने लगेगा। तो देखिए ये है मेरे को वाटर लिया है मैंने, वाटर। ठीक है, तो आपको जब ग्लास उसके ऊपर फैलने लगेगा उसके साथ अट्रैक्शन होगा तो देखो सरफेस का मॉलिक्यूल वाटर का मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट करेगा तो जो सरफेस मिलेगी वो सरफेस कैसी मिलेगी, वो मिलेगी आपको वेटिंग सरफेस, दैट इज कि आपका जो सरफेस होगा शीशे का वो गीला हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जो फ्लूड है लिक्विड है वो सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट एंगल अगर पूछा जाए तो उसके आउटर मोस्ट सरफेस पर आप क्या करोगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करो इस तरीके से। ठीक है, अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको दिखेगा, देखो फ्लूड इस साइड नहीं है कि इधर से एंगल नापेंगे, फ्लूड इन साइड है ना, ये है फ्लूड, इधर से नापेंगे दिस इज थीटा, फ्लूड जो है जिस साइड होगा उधर से ही थीटा कंसिडर करेंगे, ये है थीटा, और थीटा को क्या पढ़ते हैं, थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है जिसका वैल्यू हम लोग अभी देख रहे हैं, यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि वो 90 डिग्री से कम है। ठीक है, तो पहली चीज क्या पता चली, सबसे पहली चीज कि एडहेसिव फोर्स ज्यादा है कोहेसिव कम है, तो इसका एग्जांपल कौन है, उसका एग्जांपल है वाटर इन ग्लास, यानी कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है सिंपल एग्जाम में कि वाटर इन ग्लास कौन से कंडीशन का एग्जाम्पल है, तो पहला तो हो गया कि अगर इसका आंसर होगा कि एडहेसिव ज्यादा है कोहेसिव कम है, दूसरा आपको क्या पता चला कि आपको सरफेस कैसा होता मिलेगा इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में आपको सरफेस कैसा मिलेगा, वेटिंग सरफेस। ठीक है, तीसरी चीज क्या पता चली कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट या थीटा इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री, या फिर आप क्या कह सकते हो, इसी को आप कहते हो एक्यूट एंगल, हो सकता है ऑप्शन में दे दे कि थीटा हमेशा एक्यूट एंगल कब होता है, जब सरफेस वेटिंग हो नॉन वेटिंग हो, इस तरीके से ऑप्शन दे दे तो आपको पता है कि क्या होगा। ठीक है, एंड एक लास्ट पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे, वो ये याद रखेंगे कि आपको फॉर प्योर वाटर, अगर प्योर वाटर का केस कहा जा रहा है
तो थीटा विल बी 0 डिग्री. थीटा का वैल्यू हमेशा कितना कंसीडर किया जाता है? 0 डिग्री. और 0 डिग्री का मतलब है कि कंप्लीटली यानी 100% कंप्लीटली वेटिंग सरफेस. ठीक है, यानी कि जो आपको सरफेस मिलेगा वो कैसा मिलेगा? 100% कंप्लीटली वेटिंग सरफेस मिलेगा. तो देखो, अगर क्वेश्चन दे, जैसे कैपिलेटरी पढ़ाएंगे उसमें न्यूमेरिकल के लिए अगर क्वेश्चन दिया जाए और मान लो वाटर का केस हो, थीटा का वैल्यू ना दिया जाए, तो हमेशा क्या कंसीडर करना? आप हमेशा 0 डिग्री कंसीडर करेंगे. तो पहला केस क्या समझ में आया कि अगर एडहेसिव ज्यादा होगा, कोहेसिव कम होगा, तो हम लोगों को जो सरफेस मिलेगी वो कैसे मिलेगी? वो हम लोगों को सरफेस कैसे मिलेगी? वेटिंग सरफेस मिलेगी. और इसका एग्जांपल कौन है? वाटर इन ग्लास है. और इस केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री, दैट इज एक्यूट एंगल. ठीक है, तो ये हम लोगों को याद रखना है. और ऐसा क्यों हुआ वो आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है. सेकंड केस अब हम ले लेते हैं. सेकंड केस में हम ये करते हैं, मान लो इस कंडीशन को अपोजिट कर दे, दैट इज की सेकंड कंडीशन इज इफ एफ एडहेसिव इज वेरी वेरी लेस देन दैट ऑफ एफ कोहेसिव. दैट इज की आपने एक ऐसा फ्लूड लिया है जिसका कोहेसिव फोर्स जो है एडहेसिव फोर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, यानी कि कंपैरेटिवली कोहेजन एडहेसिव पर हावी है, डोमिनेंट है. ठीक है, मौजूद तो दोनों होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों फोर्स में डोमिनेंट कौन होगा. ठीक है, तो डोमिनेंट फोर्स कौन सा है? कोहेसिव. तो इस बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर से क्या करते हैं इसके लिए, मान लीजिए फिर से हमने क्या किया, एक क्लीन ग्लास लिया. ठीक है, क्लीन ग्लास लिया, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है. और इसके ऊपर इस बार हमने क्या किया, सपोज दैट एक मरकरी या पारा के को इसके ऊपर क्या किया, हमने गिराया. ठीक है, ये क्या है आपको, दिस इज मरकरी. ठीक है, मरकरी को इसलिए गिराया क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मरकरी का कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है. और इसको देखना चाहो तो अक्सर आप लोग बचपन में देखे होंगे, कई बार थर्मोमीटर अगर टूट जाता था तो उसके पारे को हाथ पे लेते थे तो वो पारा जब टच करना चाहते थे, पकड़ना चाहते थे, तो इधर उधर भागता रहता था. और अगर बहुत सारे पार्टिकल में टूटा हुआ है तो सब अपने पास आके खुद ब खुद जुड़ जाता था. क्यों? क्योंकि उसका आपस का अट्रैक्शन क्या था, बहुत ज्यादा था. और कभी भी हाथ गीला हुआ पारा लेने पर? नहीं हुआ. इसीलिए तो देखो, पारा के पास क्या है, आपस का अट्रैक्शन इतना ह्यूज है कि वो इसके ऊपर फैलना नहीं चाहेगा. और इसकी वजह से जो इसका कॉन्टैक्ट होगा सरफेस के साथ, वो कॉन्टैक्ट कैसा कॉन्टैक्ट होगा? पॉइंट कॉन्टैक्ट होगा. ठीक है, हमेशा याद रखिए, अगर कोई स्फीयर है और वो किसी सरफेस से टच है तो वो सरफेस पर कहां पर टच होता है? तो केवल एक पॉइंट पर टच होता है. क्लियर है, तो हमेशा पॉइंट कॉन्टैक्ट होगा. और पॉइंट कॉन्टैक्ट होगा इस वजह से जो सरफेस मिलेगी वो कैसी मिलेगी? नॉन वेटिंग सरफेस. ठीक है, क्योंकि ये सरफेस को कभी भी गीला नहीं करेगा. और अगर आपको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए, आउटर सरफेस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए इस तरीके से. ठीक है, आपको देखिए थीटा थीटा, ये जो थीटा दिख रहा है वो 90 डिग्री से क्या दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है. तो पहली चीज क्या पता चली, पहली चीज पता चली कि इसका एग्जाम्पल कौन है, वाटर इन ग्लास. ठीक है, दूसरी चीज क्या पता चली हम लोगों को, वो जो सरफेस मिलेगी वो कैसी मिलेगी, नॉन वेटिंग सरफेस. एंड तीसरी चीज क्या पता चली हम लोगों को, कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री. इज दैट क्लियर? ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट जो एक इंपॉर्टेंट याद रखना है वो ये कि फॉर मरकरी के केस में थीटा इज इक्वल टू 132 डिग्री.
जनरली मरकरी के केस में हम लोग थीटा का वैल्यू कितना अज्यूम करते हैं, 132 डिग्री, बट ये वैल्यू थोड़ा बहुत वैरी करता है। बट आपको हमेशा याद रखना है कि 132 ही एग्जैक्ट, अगर करेक्ट की बात करें तो ज़्यादा करेक्ट यही है। किसी किसी बुक में 128 भी लिखा है, किसी ने 130 भी लिखा है, इवन कि ये 138 तक वैरी कराया गया। तो इट डिपेंड्स, टेम्परेचर के हिसाब से वैरी करता रहता है वो सारी चीज़ें, ठीक है। बट जनरली हम लोग कितना लेते हैं तो 132 डिग्री लेते हैं। तो याद क्या रखेंगे हम लोग, मरकरी के केस में थीटा कितना होगा, ये होगा। तो देखिए यहाँ से आपको क्या समझ में आया, अगर आपके फोर्सेस में डिफरेंस होगा तो दो तरीके का केस बनेगा, एक बनेगा वेटिंग सरफेस का और एक बनेगा नॉन वेटिंग सरफेस का। और इसका जो मेन रीजन है वो रीजन क्या है, डिफरेंस बिटवीन कोहेजन एंड एडिशन, ठीक है, याद रहेगा। चलिए ठीक है, अगर आप इसको समझ चुके हैं तो अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है कैपिलरिटी, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ये स्टडी करेंगे व्हाट इज कैपिलरिटी, फिर समझेंगे कि ये कैपिलरिटी कितने टाइप का होता है, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द कैपिलरिटी, ठीक है। देन फाइनली हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिलरी ट्यूब एंड मैनोमीटर ट्यूब, ओके। जनरली एक क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ठीक है चलिए सब कुछ सही है, लेकिन आप ये बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिलरी ट्यूब एंड मैनोमीटर ट्यूब, और यू हैव टू एक्सप्लेन इट कॉन्सेप्चुअली, वहां कोई फार्मूला नहीं बताना होगा आपको, ठीक है। तो चलिए हम लोग हेडिंग देते हैं अपना, इसका नाम है टॉपिक का कैपिलरिटी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अगर इसके डिफिनेशन की बात बताएं तो हम लोगों को दिखता है ये चीज कैपिलरिटी, एक्चुअली बात ये है ये कहां से पता चला, ऐसा थोड़ी है कि ख्वाब में देखा और सवेरे बुक में लिख दिया और आप उसको पढ़ रहे हो, ये कोई ख्वाब की दुनिया नहीं है। कैपिलरिटी क्या है, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। और ये कहां दिखता है तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, इनफाइनाइट एग्जाम्पल है जो आपके रियल लाइफ में दिखते हैं। जो सबसे चलिए पहला लेते हैं, सबसे पहला अगर आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में बायोलॉजी पढ़ा होगा 9th-10th में, तो आपको सिखाया जाता होगा कि बायोलॉजी में कि पेड़ की पत्तियां जो है वो वाटर जो है वो ग्राउंड लेवल से अपने तक लेती हैं, तो जड़ से लेकर के पत्ती तक पानी जो है वो कौन से फेनोमेना से चढ़ता है, वो है कैपिलरिटी। और आपको बताया जाता है कि ये कैपिलरिटी एक्शन पेड़ में कौन करता है, तो जाइलम, एक लेयर होता है जिसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, जाइलम के लिए। और इसी फेनोमेना को कहा जाता है सैप, फेनोमेना ऑफ सैप इन दी ट्री। आपको ईएस के क्वेश्चन में आ चुका है कि द फेनोमेना ऑफ सैप इज ड्यू टू ऑफ, द करेक्ट आंसर इज कैपिलरिटी, दैट इज कि आपको रूट से ट्री के पत्ती तक जो पानी का पहुंचना है ये फेनोमेना सैप है, और ये किससे होता है, कैपिलरिटी से। फिर और लोगों ने एनालाइज किया, जैसे आपने शुगर केन देखा है तो वो क्या है, एक एक रेशा देखोगे तो उसमें क्या है, स्वीट वाटर है, तो वो वाटर कहाँ से आया, ठीक है। और देखना है आप दिया जलाते हो, दिया जलाने में आपको जो जो भी ऑयल है वो आग तक कैसे पहुंचता है, वो आपको कैपिलरिटी से पहुंचता है, ठीक है। आप कोई क्या करते हो, टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर को पानी में जरा सा टच करके छोड़ दो, थोड़ी देर बाद देखोगे पूरा टिश्यू पेपर गीला हो जाएगा, तो ऐसा कैसे हुआ कि वो फ्लूड उसके ऊपर पूरा आ गया। तो लोगों ने इन सब चीजों को देखा। और अगर देखना, एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, जैसे आप देखो आपका बॉडी है और आपके बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, और हर किसी को पता है कि बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसका एक अपना प्रेशर है जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। और आपने देखा होगा मॉस्क्यूटो कितना छोटा सा है, आपको क्या लगता है एक छोटा सा मॉस्क्यूटो आपके बॉडी के ब्लड के प्रेशर को ब्रेक करके वो आपको फ्लूड को, आपके ब्लड को सक कर सकता है। अगर इसको नहीं समझ में आया तो कभी कभी आप किसी हिल स्टेशन जाइए, ठीक है, और उसमें वाटरफॉल हो, ऐसा भी ना हो कि बह जाओ, ऐसा हो कि वहां पे आप रह सको, और उस वाटरफॉल में माउथ लगा के पानी पीने की कोशिश करना आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस फ्लो का प्रेशर आपके सक्शन के प्रेशर से ज्यादा है, तो आप उसको ब्रेक नहीं कर पाओगे। तो एक छोटा सा मॉस्किटो आपके ब्लड के प्रेशर को ब्रेक कर देगा। इसीलिए गॉड ने मॉस्किटो को एक कैपिलरी ट्यूब के साथ भेजा, इसी वजह से वो मॉस्किटो उस आगे जो उसके माउथ के लगा होता है वो कैपिलरी ट्यूब है, वो क्या करता है आपके बॉडी में ऑलरेडी मौजूद पोर्स हैं उनमें डुबाता है, और ब्लड अपने आप उसके ऊपर क्या होता है, चढ़ जाता है, और वो ब्लड सक कर लेता है। तो देखो इसी से देख के बोला गया कि कैपिलरिटी क्या है। तो उन्होंने लोगों ने कहा कि व्हेन वी सबमर्ज अ
ट्यूब ऑफ वेरी फाइन डायमीटर, जब भी कभी हम किसी भी एक फाइन डायमीटर के ट्यूब को, बहुत ही स्मॉल डायमीटर के ट्यूब को कभी किसी लिक्विड में डुबाते हैं, तो देयर इज अ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड लेवल। उसके अंदर लिक्विड जो है वो या तो चढ़ जाएगा या नीचे फॉल कर जाएगा, ड्यू टू ऑफ डिफरेंस बिटवीन एडेशन एंड कोहेजन, ड्यू टू ऑफ डिफरेंस बिटवीन एडेशन एंड कोहेजन, एडेशन एंड कोहेजन, और दैट फिनोमेना इज नोन एज कैपिलरिटी। यानी कि जब किसी फाइन डायमीटर के ट्यूब को हम लोग किसी लिक्विड में डुबाते हैं तो वो फ्लूड या तो ऊपर चढ़ेगा या नीचे फॉल करेगा, और ये क्यों होगा, तो द मेन रीजन इज डिफरेंस बिटवीन एडेशन एंड कोहेजन, एंड द होल फिनोमेना इज नोन एज कैपिलरिटी, एंड द ट्यूब इन विच कैपिलरिटी विल शोज इज नोन एज कैपिलरी ट्यूब। वो ट्यूब जिस ट्यूब के अंदर कैपिलरिटी शो हो, दिखे, उस ट्यूब को क्या कहा जाता है, कैपिलरिटी। क्लियर है? तो देखो यहां से आपको सबसे पहली चीज क्या पता चली, जब भी कोई पूछे व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ कैपिलरिटी ऑफ दिस phenomena is, this phenomena is, और इसको एकदम याद रखेंगे आप, difference between adhesion and cohesion, ठीक है, पहला point। दूसरा point क्या रखेंगे याद आप, दूसरा point याद रखेंगे, the tube of fine diameter in which capillarity will shows is known as कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। लेकिन आप देखिए, अगर आप ये बोलेंगे कि वो ट्यूब जिसके अंदर कैपिलरी एक्शन शो होता है उसको कैपिलरी ट्यूब कहते हैं, और ये एक बहुत फाइन डायमीटर का ट्यूब होता है, तो अगला सवाल ये होगा, अरे भाई कितना फाइन होना चाहिए? तो देखो अभी इसका जवाब देंगे, पहले हम लोग इस चीज को सीखेंगे, लास्ट में पता चलेगा। तो अभी मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ट्यूब हैविंग वेरी फाइन डायमीटर का जो होगा, जिसमें आपको कैपिलरी ट्यूब कहा जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब अगला पॉइंट क्या होगा कि कैपिलरिटी जो फेनोमिना है ये कितने टाइप का होता है, आर्ट ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज कैपिलरी राइज, एंड सेकंड वन इज कैपिलरी फॉल, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, कैपिलरी डिप्रेशन, ठीक है। अब आप देखिए, कैपिलरी राइज का मतलब है कि ये फ्लूइड उसके ऊपर चढ़ेगा। तो देखो कैपिलरी राइज का एग्जांपल कौन है, इसका एग्जांपल है वाटर इन ग्लास। अगर हम किसी भी फाइन डायमीटर के ट्यूब को किसमें डुबा दें, वाटर में, तो इसको समझो बहुत आसानी से। मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया और इसमें एक फाइन डायमीटर के ट्यूब को हमने क्या किया, कहां डुबा दिया, यह है वाटर, हमने वाटर में इसको क्या कर दिया, डुबा दिया। अब एक चीज देखो, अगर वाटर में डुबाएंगे तो अभी हमने देखा है वाटर एंड ग्लास का नेचर कैसा था, तो सर इसमें एडेसिव फोर्स इज वेरी 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 ग्रेटर देन दैट ऑफ कोहेसिव फोर्स, दैट इज की एडेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स पर क्या होगा, हावी हो जाएगा। तो जब यह हावी हो जाएगा तो इसका मतलब यह है कि ये एडेसिव फोर्स के हावी होने के कारण फ्लूड जो होगा इस ट्यूब के ऊपर चढ़ना चाहेगा, ज्यादा अट्रैक्ट होना शुरू करेगा, तो फ्लूड इसके ऊपर क्या होगा, थोड़ा बहुत राइज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, थोड़ा बहुत राइज कर जाएगा, ठीक है। और ये जो राइज हुआ है इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, अगर हम लोग स्मॉल एच से डिनोट करें, दिस इज कॉल्ड कैपिलरी
राइज। और राइज क्यों होगा? क्योंकि देखो वाटर के मॉलिक्यूल ट्यूब यानी ग्लास के साथ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, ये इसके ऊपर चढ़ने लग जाएगा। और देखो ये जब ऊपर से देखा जाता है तो इसका जो मिनिस्कस दिख रहा है वो कैसा है, ऐसा दिख रहा है। मिनिस्कस कैसा दिखता है? इस तरीके का। रियलिटी में ये बहुत कम होता है, नेकेड आई से आपको उतना पता नहीं चलेगा, बट वो होता है। तो इसको क्या पढ़ते हैं? मिनिस्कस। तो अगर हम लोग ऊपर से देखें तो कैसा मिनिस्कस दिख रहा है? कॉनकेव अपवर्ड मिनिस्कस। कैसा दिखेगा? कॉनकेव अपवर्ड मिनिस्कस। तो आपको पहला पॉइंट क्या पता चला? वाटर एंड ग्लास लेंगे तो ये हावी हो जाएगा, ये हावी होगा तो आपको जो फिनोमेना मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? कैपिलरी राइज का फिनोमेना मिलेगा। इस वजह से जो मिनिस्कस दिखेगा वो कैसा दिखेगा? तो कॉनकेव अपवर्ड मिनिस्कस। मिनिस्कस विल फॉर्म, कॉनकेव अपवर्ड मिनिस्कस विल फॉर्म। दूसरी चीज अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, अगर ये हावी होता है तो थीटा क्या होना चाहिए? थीटा इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री होना ना चाहिए। अब देख यहां दिखाते हैं 90 डिग्री से कम है कि नहीं। आप क्या करो, यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, इसी को आगे बढ़ा दो। ये जो यहाँ पे एंगल मिलेगा इसको ऐसे लो और ऐसे बढ़ा दो। ग्लास के साथ इधर ही साइड फ्लूड है ना, तो थीटा कैसा दिख रहा है? 90 से छोटा दिख रहा है। वहां ना दिखे, यहां देख लो थीटा कैसा दिखेगा। देखो 90 डिग्री से कम दिख रहा है, क्योंकि ऊपर साइड दिखाओगे तो वो तो फ्लूड है ही नहीं। तो आपको थीटा हमेशा कैसा होगा? 90 डिग्री से कम होगा। डेट इज की एंगल शुड बी, यानी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी एक्यूट एंगल। इसी को आप एक्यूट एंगल या न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और क्या लिख सकते हैं इसमें हम लोग? पहला वाटर एंड ग्लास मिला, दूसरा ये हुआ कॉनकेव अपवर्ड मिनिस्कस हो गया, ये मिल गया। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर हम लोग बात करते हैं, और ये फिनोमेना कौन सा फिनोमेना है? तो कैपिलरी राइज का फिनोमेना है। इसका एग्जांपल वगैरह आपको सब कुछ दिख गया। अब ये सवाल ये है कि ये ऊपर चढ़ा है तो कितना चढ़ेगा, कितना घटेगा, ये सारी चीजें अभी हम लोग इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे अलग से। क्लियर है? लेकिन यही अगर हम कहां चले आए, कैपिलरी डिप्रेशन में चले आए, तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या लिखेंगे कि कैपिलरी डिप्रेशन के लिए आपको इसका जो एग्जांपल है वो क्या है? वाटर, सॉरी मरकरी इन ग्लास। इसका जो एग्जांपल है वो क्या है? मरकरी इन ग्लास। तो अगर आप मरकरी इन ग्लास लेते हो तो देखो उसके लिए फिर हम यहां पर एक डायग्राम बना देते हैं छोटा सा। हमने क्या किया, एक फाइन डायमीटर का ट्यूब लिया, ठीक है, और इस फाइन डायमीटर के ट्यूब को हमने क्या कर दिया, मरकरी के अंदर डिप कर दिया, मरकरी में डुबाया। ठीक है, तो मरकरी के अंदर डुबाएंगे तो क्या होगा कि मरकरी जो है उसका नेचर ऐसा है कि मरकरी के पास एफ एडहेसिव फोर्स कोहेसिव की तुलना में बहुत कम होता है। डेट इज की एफ कोहेसिव जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, और ये फोर्स हावी है। जब ये फोर्स डोमिनेंट है तो मरकरी के मॉलिक्यूल्स नहीं चाहेंगे कि ग्लास के साथ टच हो, लेकिन हम फोर्सफुल्ली उसको डिप कर रहे हैं तो जो मरकरी था वो क्या हो गया, वो नीचे की तरफ भागेगा। ठीक है, और मरकरी जो है वो देखिए यहां से क्या हो गया, एच हाइट फॉल कर गया है। और देखो हमेशा हम सेंटर से ही नाप रहे हैं, क्योंकि ये जो मिनिस्कस फॉर्म हो रहा है इस तरीके का, ये आपको दिखाने के लिए मैंने बहुत ज्यादा कर्व दिखाया है, ये इतना ज्यादा कर्व नहीं होगा। ठीक है, तो आप जब अब ऊपर से देखेंगे इसको तो कैसा मिनिस्कस दिखेगा, यह है मिनिस्कस। ठीक है, ऊपर से अगर देखेंगे तो कैसा दिखेगा आपको, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स अपवर्ड मिनिस्कस। ठीक है, आपको ऊपर से देखने पर ऐसा मिनिस्कस दिखेगा। तीसरी चीज, अगर आपको ऐसा है तो आपको जो सरफेस मिलेगा, हाँ इसमें एक पॉइंट हम लोग भूल गए थे, वो क्या कि आपको सरफेस कैसा मिलेगा, वेटिंग सरफेस। जब भी डुबाओगे तो सरफेस कैसा मिलेगा, वेटिंग सरफेस। दैट इज की मरकरी का जो सरफेस है, सॉरी ग्लास का जो सरफेस है वो वाटर से वेट कर जाएगा, भीग जाएगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, जो सरफेस मिलेगा वो कैसा मिलेगा, नॉन वेटिंग सरफेस मिलेगा, पहली चीज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं
कि आपको जो मेनिस्कस दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, कॉन्वेक्स अपवर्ड मेनिस्कस दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या दिख रहा है कि जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होना चाहिए इस फंडे के हिसाब से अगर देखें तो शुड बी 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं 90 से ज्यादा है कि नहीं है। देखो जो आपका आउटर मोस्ट सरफेस है इसके ऊपर क्या करो, टेंजेंट डालो ऐसे, ठीक है। हमने टेंजेंट डाला, अब देखो फ्लूड किस साइड है, फ्लूड इधर है ना ये। अब आप देखो तो ये जो थीटा दिख रहा है वो 90 से कम दिख रहा है, ज्यादा है, ज्यादा है। और वहां ना देखना चाहो तो यहां देखो, यहां पर देखो ये थीटा क्या दिख रहा है, ये थीटा जो दिखेगा वो 90 डिग्री से ज्यादा दिखेगा, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों को एग्जांपल मिल गया, दूसरा फोर्स कौन सा हावी होगा, तीसरा सरफेस कैसा होगा, चौथा मेनिस्कस कैसा होगा, एंड पांचवा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, या इसी थीटा एंगल को एक और नाम से भी जानते हैं लोग, कहते हैं इसको, अच्छा रहने दो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ही कहो चलो। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो हमेशा 90 डिग्री से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये तो हुआ उसका कॉन्सेप्ट का बात कि कौन सा राइज होगा, कौन सा फॉल होगा और कब होगा, ठीक है। तो देखो ये जो मैंने 5 पॉइंट लिखा है ना, ये 10 क्वेश्चन है एक्चुअली। आपको लिखेगा कैपिलरी राइज जो होता है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, आप इसमें से देख लेंगे, समझ में आ गया। कैपिलरी फॉल जो है इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, देखिए कुछ भी उठा के देख सकते हैं, एक बार ये ऑप्शन दे देंगे 4 गलत दे देंगे। तो बेसिकली क्या है, आपको 5 क्वेश्चन यहां से 5 क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट बना सकते हैं। और देखिए दोनों में एक चीज गौर करो, ये फिनोमेना हो चाहे वो फिनोमेना हो, वो तभी होगा जब एडिशन एंड कोहेजन के बीच में क्या हो, डिफरेंस हो। तो जब भी पूछा जाए कि कैपिलरिटी का जो मेन रीजन है वो क्या है, तो आप कहोगे डिफरेंस बिटवीन एडिशन एंड कोहेजन। लेकिन लेकिन अगर ये कहा जाए कि विच प्रॉपर्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैपिलरिटी, तो देखो एडिशन एंड कोहेजन इज नॉट अ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी होती तो मैं प्रॉपर्टी में पढ़ाता है, दिस इज अ फोर्स, ठीक है, विच इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द लिक्विड, वो पहले से उसके मौजूद है, वो फोर्स है। तो अगर प्रॉपर्टी पूछेगा देन द करेक्ट आंसर इज सरफेस टेंशन। अगर ये पूछा जाए कि विच प्रॉपर्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैपिलरिटी, देन द करेक्ट आंसर इज ऑलवेज सरफेस टेंशन। देखेंगे कैसे, क्लियर है, ठीक है। तो चलो ये होप्स हो कि आप समझ गए होंगे, नोट करना चाहो नोट कर लेना इसको, चलो ठीक है। अब हम लोग इसको फाइंड करना सीखते हैं, मैथमेटिकली इसको निकालना सिखाते हैं कि देखो क्या होगा, ठीक है चलो। तो अब हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन या कैपिलरिटी का क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन या एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे जिसके हेल्प से हम लोग कैपिलरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए ठीक है, तो देखिए अब इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हम इसको डेराइव करना चाहते हैं तो देखो इसके लिए मान लो हम एक बड़ा सा डायग्राम बना के दिखाते हैं, थोड़ा क्लियर हो, विजिबल हो कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। तो देखो मैंने सपोज दैट क्या ले लिया, एक फाइन डायमीटर का ट्यूब लिया, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी ले ली मैंने, कैपिटल आर, और इस ट्यूब को मैंने क्या किया है, वाटर में डिप किया है, वाटर में डुबाया है, ठीक है। तो वाटर के लिए अभी हम लोग देख चुके हैं वाटर इसके ऊपर क्या करेगा, ऊपर के डायरेक्शन में राइज करेगा, वाटर क्या करेगा इसमें, ऊपर के डायरेक्शन में राइज करेगा, ठीक है। तो राइज जो करेगा तो कितना राइज करेगा, वो हमने कहा कि वो h मीटर ऊपर राइज कर रहा है सपोज दैट, ठीक है। और अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, और यहां पे भी एक टेंजेंट ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि सर यहां भी एंगल थीटा दिख रहा है, सपोज दैट ये भी एंगल क्या है, थीटा है। अगर यहां थीटा है तो यहां भी क्या होगा, थीटा, और ये भी एंगल क्या होगा,
थीटा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब देखिए सवाल ये उठता है कि ये लिक्विड लेवल इतना ऊपर चढ़ा कैसे, तो इसको अगर स्टडी करना है तो इसको स्टडी करने के लिए देखो ध्यान से एक अलग से डायग्राम बना के दिखा रहे हैं, तुमको दिखाने के लिए ऐसे बनाया गया लेकिन उसको तुम टॉप व्यू से समझो, अगर हम टॉप से दिखाना चाहें तो कैसा दिखेगा, देखना ध्यान से। इसको अच्छे से स्टडी करते हैं थोड़ा। ऐसा बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि देखिए हम क्या आपको दिखाना चाहते हैं। देखो मैंने क्या बोला था कि ऊपर से देखते हैं तो मिनिस्कस जो दिखता है वो कैसा दिखता है हम लोगों को, हम लोगों को ऊपर से देखने पर जो मिनिस्कस दिखेगा वो कैसा होगा, कॉनकेव अपवर्ड मिनिस्कस, ठीक है मिनिस्कस। तो मतलब ये है जब तुम ऊपर से देखोगे, देखो सामने से देख रहे हो तो ऐसा दिख रहा है वो, लेकिन जब ऊपर से देखोगे ना तो ऐसा दिखेगा, ऐसा एक प्याला ले लो उस प्याला की तरह दिखेगा और उसके इधर पूरा ये क्या है, पूरा फ्लूड है जो है, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो अगर सरफेस सिंपल ऐसे था ठीक है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये सरफेस ऐसा दिख रहा है, ऐसा गुफा जैसा, केव जैसा, तो ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि कहीं ना कहीं उसके सेंटर पे देखो जितना फ्लूड ऊपर चढ़ा है, ठीक है, ऐसा हुआ इसलिए है क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स जो आउटर सरफेस के करीब थे, मरकरी के सॉरी वाटर का जो मॉलिक्यूल्स था वो जो ग्लास के सरफेस के करीब था वो ग्लास की तरफ चढ़ना शुरू किया चारों तरफ से, जब चढ़ने लगेगा तो सब ये सब इधर उधर सब ऊपर चढ़ने लगेगा तो उसका शेप कैसा बनेगा, ऐसा। और इस वजह से इसका जो सरफेस था उस सरफेस पर इस तरीके से क्या आएगा, एक टेंशन सिग्मा आएगा, ठीक है। और इसके लिए अब देखो यहां पर जो इसको बढ़ा दिया यही एंगल मैंने थीटा दिखाया है, यहां पर वहां पर नहीं क्लियर होगा, यहां पर आपको क्लियर होगा। इसी को अगर नीचे तक ले आए तो देखो ये थीटा था तो यहां भी क्या होगा, थीटा। तो अब देखो सिग्मा है सरफेस टेंशन, इसके इधर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, सिग्मा साइन थीटा, और इधर साइड जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा, सिग्मा साइन थीटा, लेकिन ऊपर साइड जो एक कंपोनेंट आ रहा है ये क्या होगा, सिग्मा कॉस थीटा। यहां भी क्या होगा, इस तरीके से जो ऊपर में आएगा वो होगा सिग्मा कॉस थीटा, और ये सिग्मा कॉस थीटा केवल इस पे थोड़ी होगा, साइन थीटा कैंसिल हो गया, और वो सारा का सारा सिग्मा कॉस थीटा आउटर सर्कमफ्रेंस पर ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, हावी हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ठीक है, तब समझ में आएगा। ये सब ऊपर की तरफ क्या करेगा, हावी हो जाएगा, और यही सारा का सारा जो फोर्सेस है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इन सब के कारण फ्लूड इसके ऊपर किधर खिंचाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में खिंचाना शुरू होगा, फ्लूड उसके ऊपर रेस करना शुरू करेगा। जैसे जैसे फ्लूड इसका रेस करने लगेगा, यहां पर जो भी फ्लूड ऊपर खिंचाया है उस सब का वजन जो होगा वो वजन mg किधर एक्ट करेगा, डाउनवर्ड। जब तक सिग्मा कॉस थीटा जो हर जगह लग रहा है, सिग्मा कॉस थीटा, सिग्मा कॉस थीटा, सिग्मा कॉस थीटा, इसके कारण जो फोर्स आएगा यानी इसके कारण जो सरफेस टेंशन फोर्स आएगा, जब तक ये हावी रहेगा तब तक फ्लूड ऊपर रेज होता जाएगा, लेकिन जैसे जैसे फ्लूड ऊपर चढ़ेगा उसका mg क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि सिग्मा कॉस थीटा के कारण जो फोर्स होगा वो mg फोर्स यानी कि वेट के बराबर हो जाएगा, और वो फ्लूड जितना चढ़ना होगा चढ़ने के बाद क्या होगा, एक टाइम के बाद रुक जाएगा। समझ में आया, तो रुका क्यों, समझ में आ गया। तो आपको सिंपल फंडा यहां से क्या पता चला, आपको एक लाइन का जवाब मिला वो कि सर सिंपल सा फिलॉसफी है, अगर ये चढ़ करके यहां पर रुक चुका है डेट इज कि देखो इसमें भी देखना चाहो तो यहां पर क्या होगा, सिग्मा साइन थीटा, और ये क्या है, सिग्मा है ये, और यहां भी क्या होगा आपको, सिग्मा साइन थीटा, और इसके कारण ऊपर क्या आएगा, इसके कारण ऊपर आएगा आपको, देखिए सिग्मा
कॉस थीटा जो है वो सब का सब सिग्मा कॉस थीटा ऊपर की तरफ फ्लूड को खींच रहा होगा। ये सब ऊपर जो लग रहा है वो क्या है, ये सब ऊपर जो लग रहा है वो सब का सब क्या है, सिग्मा कॉस थीटा है जो ऊपर की तरफ फ्लूड को खींच रहा होगा। तो आपको ये फोर्स और mg फोर्स बराबर होना चाहिए। तो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन आप क्या कहोगे कि सर सरफेस टेंशन फोर्स मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूड राइज, जितना फ्लूड ऊपर राइज हुआ है उसका वेट और सरफेस टेंशन फोर्स बराबर हो गया होगा, इसीलिए फ्लूड इतना चढ़ के रुक गया। तो सिंपल, सरफेस टेंशन कितना है तो आप कहोगे कि सर सरफेस टेंशन इज टू सिग्मा कॉस थीटा, और ये कहां लग रहा है, आउटर सरकमफ्रेंस ऑफ द ट्यूब पर लग रहा है, और ट्यूब का सिलेंड्रिकल ट्यूब का सरकमफ्रेंस कैसा है, तो सर्कल है, और सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, क्लियर है, विच इज इक्वल टू द mg। अब आप देखो मास है तो मास को आप क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी को मैंने डेंसिटी रहने दिया, वॉल्यूम किसका, जितना फ्लूड चढ़ा है उसका वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और जितना ऊपर चढ़ा है वो एच ले लिया, दैट इज कि एम को क्या लिख देंगे हम, एम को लिख देंगे रो पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच इंटू जी, और यहां लिखा हुआ था सिग्मा कॉस थीटा इंटू टू पाई आर। दोनों इक्वेशन को अब हम बैलेंस करते हैं। अब आप देखिए पाई से पाई कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल, और भी कुछ कैंसिल होगा तो नहीं, तो आपको एच बराबर क्या मिला, एच बराबर मिला टू सिग्मा कॉस थीटा अपॉन टू सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी। ठीक है, हम लोगों को यही मिल रहा है आपको रो जी आर। ठीक है, और अगर हम डाया के टर्म्स में लिखें तो कैसे लिखेंगे, आर को लिखेंगे डी बाई टू, तो क्या हो जाएगा, फोर सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। तो आपको ये जो एच का वैल्यू मिला है, दिस इज द कैपिलरी राइज और फॉल बिकॉज कॉस थीटा है, और कॉस थीटा का वैल्यू अगर 90, थीटा का वैल्यू मोर देन 90 डिग्री होगा तो आपको कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है नेगेटिव। तो देखो अगर थीटा का वैल्यू लेस देन 90 है तो आपको कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। तो अगर एच का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है डेट मीन्स कि ऊपर राइज हुआ है, और एच का वैल्यू अगर निगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ है, फॉल हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, चाहे कैपिलरी राइज का केस हो चाहे कैपिलरी फॉल का केस हो, हमेशा हम लोग एच का इस्तेमाल, जो एच का फार्मूला लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, फोर सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, और यहां से आपको डायरेक्टली पता चल रहा होगा कि सर एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, ठीक है, एंड कॉस थीटा, जबकि एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाया एंड डेंसिटी। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कह देगा डाया टू टाइम्स कर दो, बताओ एच क्या होगा, डाया टू टाइम्स कहोगे तो एच आधा हो जाएगा, डेंसिटी इंक्रीज कर देंगे तो एच पर क्या असर पड़ेगा, ये सारी चीजें। और यहीं से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पता चला कि डाया के साथ जब एच का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे डाया ऑफ द ट्यूब हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे, कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल का फेनोमेना जो है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा, और एक लिमिट ऐसा है कि उस लिमिट के बाद कैपिलरी राइज एंड कैपिलरी फॉल विल क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस, नेग्लिजिबल, इतना घट जाएगा कि क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। तो वो लिमिट क्या है, वो है आपको 6 mm। तो यहीं से बोला गया कि देखिए बताया गया कि 6 mm इज द क्रिटिकल लिमिट, अगर किसी डायामीटर किसी ट्यूब का
सिलिंड्रिकल ट्यूब का डायामीटर क्या हो 6 mm से कम हो तो उसमें कैपिलरी राइज और फॉल का फेनोमेना दिखाई देगा और उस ट्यूब को हम लोग क्या कहेंगे, कैपिलरी ट्यूब कहेंगे। लेकिन अगर कोई ट्यूब आप 6 mm से ज्यादा डाया लोगे तो उसके अंदर कैपिलरी राइज और फॉल का फेनोमेना क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, इसी वजह से मैनोमीटर ट्यूब जो होता है उसका डाया हमेशा 6 mm से ज्यादा लेना होता है, क्योंकि मैनोमीटर ट्यूब का इस्तेमाल हम लोग किस लिए कहते हैं, प्रेशर मेजरमेंट के लिए करते हैं। मान लो देखो ये है मैनोमीटर ट्यूब, मान लो फ्लूड यहां चढ़ा, अगर हम बहुत फाइन डायमीटर का लेंगे तो उसका मिनिस्कस ऐसा होगा, आप इधर से देख रहे हो आपको यहां पर रीडिंग दिखेगा ये वाला, लेकिन एक्चुअली फ्लूड तो इतना ही चढ़ा है ना, तो आपको रीडिंग क्या आएगा, एरर, रीडिंग में गलती आएगा। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, ऐसा ट्यूब लिखते हैं जिसके अंदर हम लोगों को ये कैपिलरिटी वाला फिनोमेना ना दिखाई दे, तो फ्लूड एकदम ऐसे दिखेगा और आपका रीडिंग हमेशा क्या आएगा, करेक्ट आएगा। तो प्रैक्टिकली आपको बता दें, देखो कॉन्सेप्चुअली रूल तो यही है कि 6 mm से कम होगा तो कैपिलरी ट्यूब हमेशा याद रखेंगे, 6 mm से ज्यादा होगा तो उस ट्यूब को हम मैनोमीटर ट्यूब कह सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली देखो, अगर ट्यूब का डाया 6 mm से ज्यादा भी है, मान लो तुम कहते हो सर 7 mm ले लिया, 8 mm ले लिया, 8 mm 7 mm बहुत कम डायामीटर है, अगर बहुत फाइन डायामीटर का ट्यूब ले लोगे मैनोमीटर में तो ठीक है कैपिलरिटी तो नहीं दिखेगा, लेकिन बहुत ही स्मॉल प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो फ्लूइड बहुत ऊपर तक चढ़ जाएगा। तो जब बहुत ऊपर तक चढ़ जाएगा तो साइज ऑफ द मैनोमीटर ट्यूब, मान लो जरा सा प्रेशर अप्लाई किया फ्लूड यहां से चढ़ के यहां चल गया, इतना ऊपर चढ़ गया, तो आपको खामखा का साइज ऑफ द ट्यूब क्या हो रहा है, बढ़ाना पड़ेगा। तो बेहतर कहा गया कि ठीक है 6 mm से ज्यादा रखेंगे तो मैनोमीटर ट्यूब होगा, लेकिन प्रैक्टिकली अगर तुम मैनोमीटर ट्यूब को खरीदने जाओगे तो मार्केट में 10-12 mm से ज्यादा का ही मिलेगा। तो जनरली मैनोमीटर ट्यूब जो मैन्युफैक्चर किया जाता है वो 10-12 mm से ज्यादा डायामीटर का किया जाता है, क्योंकि अगर डाया उसका ज्यादा रहेगा तो उसमें जो हाइट ऑफ द कॉलम आएगा वो कम आएगा, क्योंकि देखो उसका फंडा ये नहीं कि बहुत ऊपर चढ़ना चाहिए, फंडा केवल इतना है कि इतना रेज करे कि आपको नेग्लिजिबल, आपको नेकेड आई से, सिंपल आंख से ये दिख जाए कि हाँ लेवल चेंज किया है बस। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा चढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपको याद क्या रखना है, कैपिलरिटी समझ में आया, हाउ टू फाइंड द कैपिलरिटी क्लियर है, हम लोगों को डाया के साथ कैसा रिलेशन है पता चल गया, कब हम लोग कहेंगे व्हेन वी कॉल अ ट्यूब कैपिलरी ट्यूब, व्हेन द डायामीटर इज लेस देन 6 mm देन द ट्यूब इज नोन एज कैपिलरी ट्यूब, एंड इफ द डायामीटर ऑफ द ट्यूब इज मोर देन 6 mm देन इट इज नोन एज मैनोमीटर ट्यूब। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या पता चला, ये ऐसा ऐसा रिलेशन, और सुनो जब भी बोला जाए कैपिलरिटी किसके कारण हो रहा है, अगर ऑप्शन में दिया है डिफरेंस बिटवीन एडहेशन एंड कोहेजन तो हमेशा वही करेक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन ये कहे कि व्हाट विच प्रॉपर्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैपिलरिटी, देन द करेक्ट आंसर इज सरफेस टेंशन। समझ में आया, अगर किसी फ्लूड का, लिक्विड का सरफेस टेंशन इंक्रीज करोगे तो कैपिलरी राइज और फॉल भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो होप सो ये प्रॉपर्टी आपको पूरा क्लियर होगा। तो आज के लिए हम लोग यही प्रॉपर्टी रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में एक छोटा सा प्रॉपर्टी बचा है आपको, वेपर प्रेशर जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कैविडेशन के लिए, तो उसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे वेपर प्रेशर को, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस पर बात करेंगे। और स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसे लोग हो जो डिज़ाइन सीखना चाहते हैं, मान लो सपोज दैट वो लोग कोई PLC स्काडा इस तरीके का प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, तो आप लोग अभी फाइनली लास्ट जो अभी आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर आएगा उस पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे और उस पर जा करके आप बात कर सकते हैं। 1 मई से उस पर ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट किए जाएंगे PLC स्काडा के रिगार्डिंग, प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग। समर ट्रेनिंग अगर कोई करना चाहता है कॉलेज में जिनको सबमिट करना हो तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और आपको बता दें रियल इंडस्ट्री में PLC स्काडा एक ऐसा प्रोग्रामिंग है जो कि मैकेनिकल, सिविल ये सारे बच्चे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल सब अपने अपने फील्ड में करते हैं, लेकिन हाँ PLC स्काडा एक अच्छा प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपको इंडस्ट्री में बहुत हेल्प करता है। तो अगर कोई ऐसा बंदा हो जिसको इस तरीके की प्रोग्रामिंग सीखना है तो प्लीज इस पर कॉन्टैक्ट करें जो अभी आपको फाइनली आपको डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, होप सो
आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर को, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आई विल टीच यू मोर इंटरेस्टिंगली एंड मोटिवेटेडली. ओके, बाय.